मनपा नागपुर द्वारा सन 2014 से लेकर आज तक जन लोक प्रतिनिधि नगर सेवक एवं मनपा प्रशासन आयुक्त सह आयुक्त नोडल अधिकारी यह सब सफाई मजदूरी के साथ शैक्षणिक अर्हता के आधार पर नियुक्ति एवं पदोन्नति के नाम पर शासन निर्णय की धज्जियां मनपा प्रशासन उड़ा रहा है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान विक्की बढ़ेल द्वारा दी गई। ऐसे में जब अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस और महाराष्ट्र प्रदेश सफाई का महासंघ संगठन की ओर से मनपा आयुक्त कृष्णन भी इन्हें सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे पदोन्नति संबंधित विषय को लेकर अन्याय और भेदभाव पर निवेदन किया गया। ऐसे में माननीय आयुक्त राधाकृष्णन भी एवं अतिरिक्त आयुक्त निर्भय जैन एवं प्रशासन द्वारा पिछले 6 महीने से असमाधान कारक जवाब के साथ टालमटोल किया जा रहा है। पूर्ण भारतवर्ष सफाई कामगारांच्या शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक उन्नती करता त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता वेगवेगळे धोरण निश्चित करत आहे, त्यांच्याकरिता आर्थिक सवलती उपलब्ध करीत आहे, त्यांच्या भविष्याचा चांगल्या सफाई कामावरून चांगल्या शिक्षित पदावर जाण्याकरिता वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जात आहेत आणि सतत सुधारणा करून की या समाजाला कसं आर्थिकदृष्ट्या बळकट आणि शैक्षणिकदृष्ट्या उद्धार यांचा करता येईल याकरिता विविध योजना राबविल्या जात आहेत। पण आपली नागपूर महानगरपालिका गेल्या सन 2014 पासून 2017 पासून सफाई कामगारांवरती शैक्षणिक सफाई कामगारांवरती अन्याय आणि अत्याचार करीत आहे। महानगरपालिका प्रशासनच करत नसून त्याच्यावरती अवलंबून जे प्रतिनिधी आहे लोकप्रतिनिधी ज्यांना आपण नगरसेवकीचं पात्रता म्हणून त्यांना सदनमध्ये पाठवतो ते सदनमध्ये जाऊन एक असे धोरण तयार करून असे नियमावली तयार करून शिक्षित सफाई कामगारांवरती अन्याय करत आहे। त्याच्याकरिता आजची आपण पत्रकार परिषद इथे बोलावली आहे, कारण की गेल्या 1 वर्षापासून फरवरी महिन्याचा 2022 पासून कोरोनानंतर सतत माननीय आयुक्त बालकृष्ण यांचा आम्ही पाठलाग करत आहोत की शैक्षणिक सफाई कामगारांचा त्यांच्या शैक्षणिक योग्यता अनुसार त्यांना नियुक्तीचे धोरण आहे, शासन निर्णय आहे, त्या आदेशाचं पालन होत नाही। चला ठीक आहे, तुम्ही नियुक्ती सफाई कामगाराला त्या शैक्षणिक अर्थेनुसार देत नाही, पण जे कर्मचारी गेल्या 10 वर्षापासून एकाच सफाई कामगार या पदावर साफसफाईचेच काम करत आहे त्यांचा पदोन्नतीचे विचारायचं काय? म्हणजे पूर्ण शासन निर्णयाची महानगरपालिकेनं धज्जिया उडवून टाकली। ते शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचे जे परिपत्रक आहे सफाई कामगारांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार त्यांना पदोन्नती देण्याचे त्यांना नियुक्ती करण्याचे ते धोरण ते स्वीकारत नाही आहे। ऐसे में आज हम आपके समक्ष मनपा द्वारा हो रहे पढ़े लिखे शिक्षित सफाई कामगार कर्मचारी पर दुर्व्यवहार एवं इतर कर्मचारी से अलग भेदभाव को लेकर मनपा लोक प्रतिनिधि एवं मनपा प्रशासन में बैठे कुछ वरिष्ठ अधिकारी यदि हमारे द्वारा किए निवेदन को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ आने वाले समय पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। आने वाले समय में मनपा नागपुर एवं महाराष्ट्र शासन के खिलाफ नारे प्रदर्शन निर्देशन संगठन की ओर से करेंगे और ऐसे में सर्वस्वी जवाबदार मनपा प्रशासन रहेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।